बिल्कुल, ख्वाजा साद रफीक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और बूथ के बाहर उसका नंबर और शुमारियाती ब्लॉक कोड मेंशनड होगा जलीय रूप में, तभी जाके लोगों को इसकी समझ आएगी। बहरहाल इस मुल्क में कई इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम है, इलेक्शन कमीशन प्रॉपरली ट्रेन नहीं करता प्रिजाइडिंग स्टाफ को, या वो शायद सीखना नहीं चाहते, तो दिक्कत आ रही है लोगों को वोट डालने में, लेकिन वोट डल रहे हैं। अच्छा भाई साहब, जो लोग आ रहे हैं आपने आपको मिल रही है तहफ़ुज़ात ही तहफ़ुज़ात हैं, इतराज़ात ही इतराज़ात हैं, यानी कारकुनान की पकड़ दकड़, गिरफ्तारियां, फिर एहतजाज, फिर बंदों को छुड़ाना, फिर कल रात कुछ नामालूम अफराद एक्टिव हुए और उन्होंने 2:30 बजे गाजी रोड से बाबू नईम साहब को किडनैप किया, जो पुलिस कैरी हमारे पास ही नहीं है, काली वर्दियाँ उन्होंने पहनी हुई थी, 4 डबल कैबिन थी उनके पास। ये वारदात उनके सुहेल शौकत भट्ट के हल्के में हुई थी एक रोज़ पहले, कल हमारे यहाँ रात को हुई है मिडनाइट को। तो इसी तरह ये जो इलेक्शन से पहले फिजा बनाई है हुकूमत ने और मुझे पकड़ने की बातें की गई हैं और मेरे भाई को, फिर उसके बाद नैब ने मेरा पासपोर्ट ब्लॉक करवाया है। ये बड़ा अफसोसनाक है कि आप रात को दफ्तर खोल के लोगों के पासपोर्ट जो है उनको ब्लॉक करवाएं, अफसोसनाक भी और शर्मनाक भी है। तो ये क्यों ये काम किया जाता है, क्या मकसद है ये काम करने का, लोगों को मलाइन करना, उनकी किरदार किशी करना, डराने की कोशिश करना। यार अगर किसी ने पकड़ना तो पकड़ ले, पहली बार हो गई। शेर 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 साहब, आम इंतखाबात से कबल मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी और ज़मीनी इंतखाबात से कबल शहबाज शरीफ का नैब हिरासत में लेना, कैसे देखते हैं, कोई आपके इलेक्शन पर असर होगा वोटर में, इसका कोई अग्रेशन या वो पाया जाता है? अग्रेशन का रिजल्ट तो आज आ जाएगा ना इंशाल्लाह ताला। ये सियासी इंतकाम जब भी कोई लेगा तो लोग उसको बुरा महसूस करेंगे और लोग उस पर रिएक्ट करेंगे, और आज लोग रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ PTI की एक्टिविटी नज़र ही नहीं आई पूरे इलेक्शन में। क्या एक्टिविटी करनी है, महंगाई बेपना कर दी है, CPAC को रोल बैक कर रहे हैं, सियासी इंतकाम ले रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं अपने मुखालफीन को, तो फिर जज्बा तो नहीं रह जाता। हाँ जी, हमने पोलिंग एजेंट्स जो है उनको भी अच्छी तरह वेल ट्रेंड किया, बिठाया हुआ जगह जगह पे। और दूसरी बात यह है कि ये जो पोलिंग बैग्स हैं ये हम चाहेंगे कि टाइम पे पहुँचे, इसलिए हमारे लोग भी साथ होंगे ताकि वो देखेंगे पोलिंग बैग्स प्रॉपरली इन टाइम पहुँच रहे हैं, और फिर हम वहाँ मौजूद रहेंगे जहाँ कंसोलिडेशन होगी बाहर, जहाँ इजाज़त मिलेगी जहाँ तक जाने की, और उसी वक्त वापस लौटेंगे जब इंतखाबी नतीज दिए जाएंगे। ये कल तक इसका इंतज़ार नहीं किया जा सकता। बहुत रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज वही है जो सबसे लेके अब तक बयान देने का उनका सिलसिला है, कुछ परेशान भी लग रहे हैं। और ज़ैनब अभी आप मुझे कुछ कह रही थी कि जो ख्वाजा साद रफीक का मामला है वो क्या हड़बड़ाहट का शिकार लग रहे हैं ख्वाजा साद रफीक, या तो ये हार का खौफ है उन्हें या कोई और बात। अच्छा।